हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 7th ओनली रीडर पोर्शन। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रिमेनिंग है, जिसको हम आज अपनी वीडियो में करेंगे। आई एम योर इंग्लिश टीचर। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन नंबर 7th। लेसन नंबर 7th के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है बेटा, वो हम आज करेंगे, और 5 क्वेश्चन हम करेंगे, और 5 क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन आपको करना है। मैं यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, यानी कि 1, 2, 3 क्वेश्चन आंसर आपको लिखे हुए हैं। बाकी 2 क्वेश्चन आपको पीडीएफ के अंदर मिलेंगे, और इसकी ट्रांसलेशन भी मैं आपको कराऊंगा जो बचे हुए हैं, जो यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड पर नहीं है। फर्स्ट में देखते हैं तो जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें बताया गया है, यानी कि पूछा गया है, देन द सिचुएशन चेंज्ड। आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है, और रीड किया है तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही आपको क्वेश्चन के आंसर को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम होगी। इसमें पूछा गया है देन द सिचुएशन चेंज, सिचुएशन बदल जाती है, सिचुएशन बदल गई। व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू, यहाँ पर जो ये रेफर किया गया है, सिचुएशन दी गई है, किस सिचुएशन का वर्णन इसके अंदर किया गया है? तो हमने आंसर जो किया है वो है, जुम्मन प्रॉमिस टू सपोर्ट हिज आंट एज लॉन्ग एज सी लिव्ड। हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर के इन दोनों के बीच में, यानी कि जुम्मन शेख और आंट, जुम्मन शेख की जो आंट थी, मौसी कह सकते हैं, आंट कह सकते हैं, चाची कह सकते हैं, ताई कह सकते हैं, मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के अंदर ये कॉमन वर्ड है, तो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो आंट के पास प्रॉपर्टी है वो किसको दे देगी, जुम्मन शेख को दे देगी, और उसके बदले में जुम्मन शेख उसको पूरी देखभाल के लिए जो भी चीज़ें उसकी आवश्यकता की हैं, खाने की है, रहने की हैं, वो उसको एक एग्रीमेंट होता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो उसने प्रॉपर्टी, यानी कि आंट ने सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी। पर सिचुएशन तो एकदम से चेंज हो गई, और उसी सिचुएशन के बारे में बात की गई है। इसमें बताया है कि जुम्मन प्रोमिस टू सपोर्ट, जुम्मन ने ये वादा किया कि वो उसकी आंट जो थी, जिसने उसको प्रॉपर्टी उसको दी, ट्रांसफर की, वो सी लिव्ड, जब तक जीवित रहेगी वो उसका सपोर्ट करता रहेगा, यानी कि उसकी रहने की, खाने की, सब चीज़ों की व्यवस्था उसे करनी पड़ेगी। सो सी ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी, इस कारण से उसने अपनी प्रॉपर्टी को टू हिज नेम, उसके नाम करा दिया। बट आफ्टर दैट ही फॉरगॉट हिज प्रोमिस, परंतु कुछ दिनों के बाद वह अपने जो उसने जो प्रोमिस किया था वह उसको भूल गया था। प्रोमिस यानी कि जो वादा किया था वो उसको भूल गया था। एंड बिगेन टू ट्रबल, और उसके साथ यानी कि उसे परेशान करना शुरू कर दिया, वो मुसीबत में आ गई। थस द सिचुएशन चेंज, उसके बाद वो सिचुएशन परिवर्तित हुई, यानी कि वो परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन किस रूप में बदला, एक केस के रूप में बदला, यानी कि फिर वो जो आंट थी अपना पक्ष रखने के लिए, अपना जो खर्चा लेने के लिए उसने उससे कहा, पर वो नहीं माना, और उसके बाद वो पंचायत के अंदर वो मैटर गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन जुम्मन आंट, जब जुम्मन की आंट जो थी, रियलाइज दैट सी वॉज नॉट वेलकम इन हिज होम हाउस, व्हाट अरेंजमेंट डिड सी सजेस्ट, कि उसे जब ये रियलाइज़ हुआ कि उसका गुजारा उस घर के अंदर नहीं हो सकता है, या उसकी जो देखभाल है, उसका वेलकम है, उसकी इज्जत है, जो वो वहाँ पर नहीं हो सकती है, उसकी देखभाल वहाँ पर नहीं हो सकती है, तो उसने जुम्मन को क्या सुझाव दिया? तो वो ओल्ड लेडी कहती है, द ओल्ड लेडी रियलाइज दैट, उस लेडी को ये महसूस हुआ कि सी वॉज एन अनवॉन्टेड ना हो,
अनवांटेड, वो जिसकी चाह ना हो, वो उसको महसूस हुआ कि उसके घर में उसकी चाहत नहीं है या उसका स्वागत या उसकी देखभाल नहीं की जाती है, वो एक लोड के यानी कि बोझ के समान है। किस पर? जुम्मन पर। जुम्मन पर एक बोझ के समान है। सो सी सजेस्टेड अ वे आउट, उसने एक सुझाव दिया। क्या सुझाव था? सी डिमांडेड अ मंथली अलाउंस। अलाउंस का मीन्स होता है गुजारा भत्ता देना, यानी के खर्चा कह सकते हैं हम इसको, खर्चा देना उसका, मंथली महीने का जो खर्चा है वो दे उसको, ताकि टू सेट अप हर किचन सेपरेट, ताकि वह अपना किचन अलग स्थापित कर सके, अपने खान किचन सेपरेट का मीन्स यहाँ पर है कि खाने की अलग व्यवस्था कर सके उस पैसे से जो उसको मंथली अलाउंस के रूप में उसे दिया जाएगा, यानी कि वो उसे दे और जिससे वो अपना खाना पीना अलग कर सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वाज द विलेजर्स, जो विलेजर्स थे जब ये जो प्रॉब्लम आई उसको, उसके बाद वो समस्या वो आंट को, उस मौसी को थी, तो वो गांव वालों के पास गई और अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में बताया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो गांव वालों का जो रिएक्शन था, व्हेन द आंट एक्सप्लेन हर केस टू देम, जब आंट ने उसे अपना, उन लोगों को अपना केस बताया या उन लोगों ने अपनी, उन लोगों को जो उसकी प्रॉब्लम थी, समस्या थी वो बताई, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई, लोगों ने क्या कहा या क्या सोचा? तो आंसर है, द आंट वेंट टू एवरी विलेजर, हर एक गांव वाले के पास गई और टू सीक सपोर्ट, अपना सपोर्ट तलाश करने के लिए, अपना सपोर्ट, अपना पक्ष, अपना विटनेस रखने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द विलेजर लाफ्ड एट हर, परंतु ज़्यादातर जो विलेजर्स थे वो उसके ऊपर हंसे, ओनली अ फ्यू सिंपैथाइज्ड विद, ओनली यानी कि कुछ ही लोगों की, सिंपैथी का ये वर्ड हुआ है, सिंपैथाइज्ड सहानुभूति, सहानुभूति कुछ ही लोगों को सहानुभूति हुई उसको, उसके प्रति। तो यहां पर बताया है कि ज्यादातर लोग जो थे वो तो उसके ऊपर उसकी बात को, उसकी बात को सुना उन्होंने और वो हंसे, कुछ लोगों ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई और कुछ ने कहा, हमने पढ़ा भी इस चैप्टर के अंदर, कुछ ने कहा कि तुम अपने यानी कि जो उसके जो जुम्मन शेख है तो वो उसके पास जाए और उसे समझौता कर ले, कुछ ने ऐसा भी कहा। पर हमने शॉर्ट में लिखा है, जितना इजी आपके लिए बन सकता था हमने ये क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अपना, अपना जो आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगा, वाई वो जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज मेन पंच। नॉमिनेशन का मीन्स होता है नामांकित करना। जैसे ही जुम्मन को या जैसे ही अलगू चौधरी का नाम एक हेड पंच के रूप में, मुख्य पंच के रूप में जब चुना गया उसे, तो उसका जो, उसकी जो खुशी थी, उसकी जो प्रसन्नता थी, उसे क्यों हुई? अब ये सभी जानते हैं, क्योंकि जब जैसे ही जुम्मन का नाम उसकी आंट ने लिया, किसने लिया, इनकी आंट ने इसका नाम लिया, किसके लिए, आंट ने किसका नाम लिया, अलगू चौधरी का इसका नाम लिया, और ये दोनों थे फ्रेंड, ये दोनों मित्र थे, तो वो अब सोचने लगा कि जो डिसीजन होगा वो उसी के पक्ष में आएगा, बिकॉज ऑफ ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, यानी कि वह मेरा मित्र है, वो सोचने लगा। तो वो प्रसन्नता क्यों हुई उसको, जुम्मन फेल्ट हैप्पी व्हेन आंट नेम्ड अलगू एज अ हेड पंच, ही थॉट दैट द डिसीजन वॉज इन फेवर फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड अलगू, यानी कि उसे इस बात की खुशी हुई कि जो डिसीजन होगा वो अलगू उसके पक्ष में देगा, यानी कि अपने मित्र के पक्ष में देगा और वो उसका, उसके फायदे के लिए होगा, ये उसने सोचा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि पंच जो होते हैं परमेश्वर होते हैं, और ये कह सकते हैं कि जो पंच होते हैं उनका उनके हृदय में भगवान का निवास होता है। द आंट सैड, आंट ने कहा, व्हाट डिड सी मीन, और इसका मतलब क्या था, इसका मीन क्या है, इसका मतलब बताया है इसके आंसर के अंदर। आंट मीन दैट अ पंच हैज नो फ्रेंड और नो एनिमीज। एनिमीज का मीन्स होता है दुश्मन। तो इसमें बताया है कि वो सोचती थी आंट के पंच जब होते हैं या पंच जो निर्णय करते हैं उनके उनका निर्णय भगवान का निर्णय होता है, उसके लिए कोई भी ना तो फ्रेंड होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। ही अनहोल्ड फर्मली व्हाट इज फेयर जस्ट एंड ट्रू अपहोल्ड्स। वह न्याय और सच का दामन पकड़े रहते हैं। अपहोल्ड मीन्स पकड़े रहना। अपहोल्ड, वह सच का दामन पकड़े रहते हैं, चाहे जस्ट एंड ट्रू और सच के लिए लड़ते हैं। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ दैट, और ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, बिल्कुल सत्य है बात ये। द पंच बिकम द माउथ पीस ऑफ गॉड, के पंच के मुंह से भगवान बोलते हैं, ये बिल्कुल बात सच है, यानी कि ये बात बिल्कुल सच है। और आंटी को इस बात पर विश्वास था, जो उसकी आंट थी, मौसी थी, उसको ये विश्वास था कि जो पंच बनाया जाएगा, जिसको भी चुना जाएगा, और वो एक भगवान के रूप में होगा, क्योंकि भगवान ही उस समय उनके दिल में रहते हैं, या ये कह सकते हैं पंच के हृदय में हमेशा भगवान निवास करते हैं, और इसीलिए वो ऐसा निर्णय नहीं देते। उनके लिए कोई भी ना तो मित्र होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है, इक्वल होते हैं सभी, बराबर होते हैं, और जो भी वो डिसीजन लेंगे वो मान्य होगा। इसलिए उसने, यानी कि उसकी आंट ने किसको चुना, अलगू चौधरी को चुना। अलगू चौधरी उसका पूरा नाम है, और इस चैप्टर के अंदर जो आया है जुम्मन शेख, वो जुम्मन शेख यानी कि उसका मित्र है। तो बच्चों, हमने ये आज इसके 1-5 क्वेश्चन किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन और इसकी जो एक्सरसाइज है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आपको ये क्वेश्चन अपनी बुक से पूरा कंप्लीट लिखना है, यहाँ से हमने जैसे डैश डैश छोड़ा हुआ है, आपको ऐसे छोड़ना नहीं है, कंप्लीट लिखना है। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ यू लर्न द क्वेश्चन, How can you find the complete question? Then you will open the book. After that, you seeing the question. फिर इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को पूरा लिखना है, ताकि बुक को बार बार ओपन ना करना पड़े। यहाँ सेकेंड में, थर्ड में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कंप्लीट लिखने हैं बेटा। अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है। आज के लिए इतना ही। Have a nice day. Bye bye.